पता तो इनको कुछ है नहीं, जानकारी है नहीं, फिर कहते बेरोजगार है। इनसे एक एग्जाम आज तक अगर क्लियर नहीं हुआ, हर साल हजारों पोस्ट आईएएस ऑफिसर की निकलती है, इनकी औकात नहीं है उसमें सिलेक्शन होने की। बात करेंगे मोदी को गाली देने की, बेरोजगारी है, इनसे लिखवा कर देखो, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग पूछो, अगर बता देगा तो बताओ। अभी दोबारा बोलो ना, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बताओ, लेफ्टिनेंट हैंड की। रुपए दूंगा कर्नल, चलो कर्नल बता दो, कर्नल की बता दो, ना बता हमें, ना बता हमें, लोग रोजगार मांग रहे हैं, ये दिक्कत है। बात देखो, बात क्या करेंगे इनको, ना पता इन्हें घंटे का नहीं है, और जब पत्रकार इन्हें पता क्या, वो जो एक भेड़ चाल होती है ना, देखो जब हल्ला मचा रहे हो इतनी देर से अपने कमाते हो, देखो बात, अरे थोड़ा कह रहे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, वो थोड़ा कह रहे। एक बात बताओ, कौन सी महंगाई है बताओ, बस एक स्पेलिंग बताने पे मिल रही थी, बोल रहे बेरोजगार। देखो ये कह रहे महंगाई है, अरे अपना कमाते बड़े भाई फ्री घूमते, ये जो सुनो पेट्रोल हमारा सीमित मात्रा में, कोई साफ हो गया, खुद बता रहे हैं अपना कमाते हैं, नहीं एजेंडा फैलाते हैं, पूरा गधे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, ये औलाद ही पप्पू की है, ये पप्पू वाले हैं, तो बात तो चलेगी नहीं, बात तो वही चलेगी, ये पप्पू वाले तो पप्पू वाली बात करेंगे। अरे जो चीज सीमित साधन में है उसका रेट आने वाले टाइम पे और भी बढ़ेगा, चाहे कोई भी हो। LIEUTENANT सर्च कर लो, सर्च कर लो। अच्छा और बड़ी बात छोड़ो, 12th की स्पेलिंग पूछ लो, अगर बता देगा फिर 500 रुपए। 12th की TWELTHT। अरे चुप रहो, चुप रहो। अरे अच्छा, 8th की सुनो। अरे भाई सुप, ये मदना निकाल रहे हैं, ये चमकने के लिए पैसा मत। अरे ले ले, ठीक है ना, मुझे ना चाहिए इसे, इससे देखो तुम्हारी तरह। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो ले, इतना पैसा अरे मेरे पास तो है, इसको बोलो फोन निकाल लो, और इसे पूछो 12th की स्पेलिंग, अगर जो इसने बोला है ना वो आ जाए तो 500 रुपए अपने हाथ से देना। तुम तो चमक गए ना, ये साले बेरोजगार क्यों है, अनपढ़ है, पता लिखा इनको कुछ नहीं है। देखो क्लरिकल डिपार्टमेंट में जॉब निकली है वो नहीं इनके बस की, एग्जाम देना बस की नहीं है। ये भेड़ चाल होती है ना, एक गधों की तरह, एक गधा जहाँ चलता है वहाँ सारे गधे चल देते हैं, तो ये लोग ऐसे ही है, इनके बस की तो कुछ हो नहीं। इनका एक अपना जो एक पप्पू एजेंडा पास कर देता है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है इन लोगों के पास। मैं कह रहा हूँ इन लोगों के पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, इनको पता कुछ है नहीं। मैंने क्या बोला, पूछ लो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, होगा ग्रेजुएट तो ये लड़का होगा, लेकिन 12th की स्पेलिंग नहीं पता इसको, इससे ज्यादा बेड़ा गर्क और क्या होगा देश का, कैसे होगा बेरोजगारी है। 17 का पहाड़ा ही सुना दे, आलू से सोना तो ना, चले फिर आलू से सोना निकाल लो। ये वो लोग हैं जो स्टोव में तेल नहीं डालते, कोयला डालते हैं, तो बात तो मैं इनसे, दिक्कत मुझे इन लोगों से नहीं है। ये पहने हुए ये किसने दिए, ये किस चीज से सिली थी, और सिलाई किस चीज, किस कौन लाया था, सुई कौन लाया, मूर्ख मूर्ख तुम हो भाई राजीव गांधी, ठीक है ना, कंप्यूटर कौन लाया, राजीव गांधी लाया, कुछ नहीं पता तुम्हें, मतलब कुछ मालूम है नहीं, कौन लाया, कांग्रेस नहीं लाई, कंप्यूटर किसने बनाया, तू बता ना, बस बिन बात में इधर आके, पप्पू का ज्ञान है, पप्पू का ज्ञान ऐसी होगा, बेरोजगारी नहीं है इन लोगों ने। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले तुम बोलते थे तो तुम पढ़े लिखे हो, 12वीं की पहले बता ले, तुम सुनो सुनो, पप्पू उसको सीख लेता, गजब बेइज्जती करा दी तूने, चार्ल्स बेबेज ने इंडिया में नाच न जाने आनंद तेरा, पता ही नहीं थोड़ी, अबे चलो क्या लग रहा है, विदेश में रह रहे होगे तुम, किसने इवेंट करा था उसी का तो नाम, अरे विदेश, हम तो यहाँ की बात करेंगे ना, क्यों बात, देश में कौन लाया था, किसकी गवर्नमेंट थी, किसकी गवर्नमेंट थी, ये बताओ ना, ये बोलना, हाँ तो जब तुम उन्हें बनाया था, अबे ये पता ही नहीं है, बोलो बनाया लाया, मैं फर्क है इनकी, पता क्या इनसे एग्जाम में पूछ लिया, इन्होंने लिखा राहुल गांधी युवाओं की चिंता में चलता है, इसने लिख दिया राहुल गांधी।
युवाओं की चिंता में चलता है, बिंदु का फर्क है। इस बार लोकसभा में ट्रेंड बदलने वाला है। 2014 में वो 44 साल का हुआ, 44 सीट आई। 2019 में वो 49 साल का हुआ, 49 सीट आई। अब की ट्रेंड बदलेगा, वो 53 का हो रहा है तो 53 नहीं आएगी, 13 आएगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बनेंगे? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बोला ही नहीं है, ठीक है। अगर वो जीतता भी है, इंडिया जीतता है, तो खड़गे जी बनेंगे, बस ममता बनर्जी बनने देंगी। शादी होती है तो एक दूल्हा होता है, साला इनके यहाँ तो सारे दूल्हे द्रौपदी वाला काम करेंगे क्या? अरे जिसकी शादी होगी जिसकी कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। गैर भी जवाब दूंगा, जवाब दूंगा। देखो ये बात है ना, बिल्कुल अच्छा सवाल करा अंकल ने। जिसकी शादी हुई उसने कर क्या लिया? देखो देश हित के लिए, इस बात को मजाक मत समझना, देश हित के लिए जिसने अपना परिवार ना देखते हुए देश के बारे में सोचा, उससे बड़ा सनातनी, उससे बड़ा वो देशभक्त कौन हो सकता है? ये पप्पू की बात कर रहे हैं। अरे पीटीआई की न्यूज है, साला नपुंस आ गया पप्पू, 44-45 साल का हो गया है उसका पप्पू, 49 का हो गया पप्पू का पप्पू नहीं है। अगर देश के ऊपर देशभक्ति के ऊपर, देश के ऊपर अगर मोदी का पिताजी अपनी घरवाली को छोड़ देता, मोदी कहाँ से आता? अरे तो पप्पू ने तो शादी नहीं करी, ये सारी दुनिया भाई आप कब न शादी कराए, अपनी घरवालियों को छोड़ दे, कोई धरती के ऊपर तो एक भी इंसान नहीं रहेगा। त्रेता युग में जब साधु संत हवन करते थे ना, यज्ञ हवन करते थे ना, अश्वमेध घोड़ा छोड़ते थे, विपक्षियों ने गधे छोड़ रखे हैं, मैं क्या करूं? ठीक है, और ये अंकल जी की गलती नहीं है, ये अंकल जी की भी गलती नहीं है। एक पिक्चर आई थी बाहुबली, उसमें एक अहम रोल था कटप्पा का, उसे पता था विकास हो रहा नहीं हो रहा, मोदी क्या है, लेकिन राजमाता को कसम दी थी गुलामी नहीं छोड़ेंगे, वही निभा रहे हैं। इस देश में सारे मोदी जैसे भगत बन जाओ, इस देश के अंदर एक भी इंसान नहीं रहेगा, आखिरी फैसला ये है। जनता रहेगी नहीं तो वोट किसको गिरेगी? आज उस स्मृति ईरानी को आज ले आओ, सिलेंडर सिर पर रख के 1250 का है। राहुल गांधी क्यों नहीं रखते सिलेंडर सर पे? राहुल गांधी को भी रखना चाहिए ना उसको। मैं कह रहा हूँ लड़ाई माफ करो, पापड़ खाओ यार। मुझे एक बात बताए, कांग्रेस में नेताओं की कमी है? अगर महंगाई है, राहुल गांधी आए, प्रियंका आए, सिर पे सिलेंडर रख के सड़क पे प्रदर्शन करे यार। प्रदर्शन वो कर रहा है, वो बेचारा जा रहा है, यात्रा निकाल रहा है, और क्या निकाल रहा है, और किस लिए निकाल रहा है? प्रदर्शन कर रहे हैं, भाषण देगा तो यही तो बात कहेगा, वो महंगाई के ऊपर बोलेगा, बेरोजगारी पे बोलेगा। अरे सुनो और क्या बोलेगा, कल क्या बात करे। 2014 में भारत की वो जनसंख्या क्या थी, और आज भारत की जनसंख्या टॉप पर हो गया है, और आप क्या बात करें, क्यों नहीं बढ़ेगा? बड़ी जनसंख्या घटानी, जनसंख्या घटानी चाहिए कि बढ़ानी चाहिए? 144 करोड़ क्यों? जब हमारे प्रधानमंत्री का कोई औलाद नहीं है तो जनसंख्या घटनी चाहिए? एक प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री कोई मौलाना थोड़ी ना, 10 शादी कर रहा है, इकलौती शादी करी है वो तो लग रहा है, फिर तो तुझे भी लग रहा है मौलाना की ही लग रहा है मुझे। दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपनी को रख नहीं सका वो, किसी की बेटी नहीं है, अपनी को नहीं रख सका वो, किसी की बेटी नहीं है। कभी आके बोला उनकी वाइफ ने कभी आकर के मीडिया में बोला कि भैया मुझे नकारा गया, मुझे छोड़ा गया, लेकिन इनको पता नहीं क्यों दुखरा गई, आपकी तो नहीं छोड़ गई उन्होंने तो नकारा नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, ये बात कहते हैं इंदिरा गांधी जी की, उसने पकड़ के इमरजेंसी में लोगों की नसबंदियां करा दी, और एक बंदे के पास पहुंच गया गरीब के पास नसबंदी कराने, उसने कहा भैया तू मेरी कर रहा है, इंदिरा गांधी के परिवार में किसी की? कहता नहीं वहां सब पढ़े लिखे हैं। कह रहा अच्छा, कह रहा तूने अपने परिवार में किसी की? कह रहा नहीं हम भी पढ़े लिखे हैं। तो कह रहा सालों में पढ़ाओ लिखाओ ना, नसबंदियां क्या करा रहे हो? उसने नसबंदी कराई इंदिरा गांधी ने, भाई क्या समर्थन करता हूँ, अब तो लोग खुद जाकर कराने लग रहे हैं, वो तो परिवार अब तो खुद जाने लग रहे हैं। बच्चों ने कराई, आपके बच्चों ने कराई? हमने भी करा रखी है, बच्चों ने, बच्चे शादी नहीं हुई अभी, बच्चों की शादी नहीं हुई अभी, दो बच्चे हैं भाई, जितनी आमदनी है अपनी जमींदारी में उतना, दो बच्चे अगर मैं 10 बच्चे पैदा कर दूंगा तो कहां से खिलाऊंगा? तो मानते हैं आप भी
कि जनसंख्या बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है? मेरे पिताजी के हम छह थे, हम छह थे, छह अब मेरे दो हैं, मेरे भी छह होने चाहिए। पछाड़ने वाले हैं, तो करोड़ पहुँच गए जनसंख्या। कितने दिन में पहुँच गई? कितने दिन में पहुँच गई बताइए आप? कितने दिन में पहुँच गई? जब 150 करोड़ पहुँच गई तो इन्हें 9 साल में घटा देनी चाहिए थी। कैसे घटा? कैसे कहते बच्चे अल्लाह के देन है, दूसरे वाले तो कैसे घटेगा? एक कारण दूसरे वाले तो कहते बच्चे अल्लाह की बात करेंगे, अल्लाह की देन, अल्लाह अल्लाह इसमें और क्या, अल्लाह इसमें बीच में कहाँ से आ गया? वो कहते हैं कौन से कहाँ से आ गए? अरे अल्लाह बीच में कहाँ से, हम कानून को नहीं मानते, हमको हम अल्लाह थोड़ी दे रहा, हमारे को हमारी जितनी औकात हम उतने पैदा करेंगे, उतने पालेंगे, उतने पढ़ाएंगे। अच्छा, तो फिर महंगाई मोदी, जमींदार मोदी की, जमींदार आपकी, जमींदार का बेटा हूँ, जमींदार करता हूँ। आज के दिन मेरे दो बेटे हैं, तो महंगाई किससे क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? जीडीपी गिरेगी फिर पैदा करोगे? बच्चे नहीं, मोदी अपनी मेहनत का कमा के खिला रहे हैं बच्चे। सुन लो महंगाई, अपने महंगाई की सुन लो, मोदी के नवाज यार, सुन तो लो यार, बच्चों को खिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, महंगाई की सुन लो यार, क्यों ना कह रहे हैं मोदी महंगाई की सुन लो, खिलाएंगे 70 साल में अपनी मेहनत लगा रहे हैं, 70 साल में दाल 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, महंगाई पे क्या अल्लाह बचा रहे हैं? महंगाई पे क्या अल्लाह बचा रहे हैं? गवर्नमेंट का आदमी की जिस हिसाब से बच्चे आप महंगाई गवर्नमेंट पैदा करेगा, बच्चे जो पैदा करेगा वो अपना कमा के खिला रहा है। महंगाई कम करना सरकार का काम, करेंगे कैसे कम करेंगे? सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। ये बैग है खरीदने वाला, मान लो ये सारे खरीदने वाले हैं और बैग ये क्या, तो भाई इसका दाम बढ़ेगा या घटेगा जरा बता दो? ये मूर्ख है, मैंने क्या बोला? ये पप्पू की औलाद है, अगर इनके घर वाले, मैंने फिर मेरी बात पहले एक मिनट मेरी बात सुनो, आप 500 रुपए कमाते हैं पर डे का, आपने कर लिया 8 बच्चे पैदे, नहीं तो मैं क्यों करूंगा? कैसे खिलाएंगे उन्हें? नहीं मैं चूतिया हूँ, मैं क्यों कर लूंगा? कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, आरी तनारी करते थोड़ी ना करूंगा, समझ रहे हो भाई? तुम्हारी तनारी करते नहीं करूंगा, बिल्कुल। जब मेरे अंदर सुनो, जब मैं 2000 पैदा करूंगा ना, जब 4 बच्चे पालने की हिम्मत रखूंगा, जब 4 करूंगा, सही है? हमें तो ऐसे मिलता है जो कबाड़ी, अरे हमें तो ऐसे मिलता है जो कबाड़ी का काम करते हैं, 8 बच्चे 12 बच्चे। यूसीसी आ गया उत्तराखंड में, यूसीसी लागू हो गया उत्तराखंड में, ऐसे हर राज्य में होगा। ये भाई बोलने वाले बनेंगे नहीं, 10-10 बच्चे ये चलेंगे संविधान के हिसाब से। शासित प्रदेश में ही होगा और इनकी हालत खराब होने वाली है आने वाले टाइम पे, सीधा कह दिया। अगर 2 या 4 बच्चों से ज्यादा जिसके भी होंगे, अगर 2 का भी रखा, उसके बाद उनके ना तो सरकारी नौकरी मिलने वाली है, ना कोई सरकारी सुविधा मिलेगी, और ना ही उनको सरकार के किसी हॉस्पिटल या स्कूल में दाखिला भी होगा, तो अपने आप ही। अब लेकिन देखना, ये फिर संविधान, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानेंगे, ये कहेंगे हम तो कुरान के। अब मुसलमान कहेगा, पूछो ना जरा उससे जाकर, हम तो सीना ठोक कर कहते हैं पहले बाबा साहब का संविधान है, उसके हिसाब से हमारा देश चल रहा है और आगे चलेगा भी। जरा मुस्लिम से कह कर दिखा दो, उनसे पूछो किसके हिसाब से चल रहा है, वो सीधा कहेगा कुरान के हिसाब से चलूंगा मैं, तो मैं क्यों मानूं? वरना तो वर्ल्ड बोर्ड क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया वो।